मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरे राम राम। ये देखिए, हमारा आज 22 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, वो एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब इस वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दो चार क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं जो मैंने मैथ और रीजनिंग में देखे हैं। बाकी का अदर सब्जेक्ट का नहीं देखा मैंने, मैथ और रीजनिंग में रिपीट हो रहे हैं, अदर में भी शायद हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैथ के करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑड मन आउट करना है। देखिए फर्स्ट क्या बोलता है, ग्राम, क्विंटल, किलोमीटर एंड किलोग्राम। देखिए ये भी हमारा एक वेट मापने की यूनिट है, इसमें भी वेट मापते हैं, किलोग्राम में भी वेट मापते हैं और किलोमीटर लिखा है, किलोग्राम में वेट मापते हैं, किलोमीटर में हम डिस्टेंस मापते हैं। तो ये हमारा एक ओड हो जाएगा, ये डिस्टेंस की यूनिट है। चलिए नेक्स्ट को नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो इसमें बोल रहा है, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देख रहा है, ठीक है। देखिए जब हमारा कैसे होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट साउथ होता है और ईस्ट होता है एंड वेस्ट होता है। तो खंबा कहीं भी होगा, मतलब उसकी शेडो ऐसे पड़ेगी, क्योंकि इधर से सन आ रहा है ना, ईस्ट साइड से सन निकलता है, तो खंबा इधर पड़ेगा। बोल रहा है खंबे की परछाई सन्नी के राइट साइड में है, तो यहाँ पर सन्नी होना चाहिए, क्योंकि सन्नी का राइट साइड तो यही है और खंबे को भी देख रहा है, तो सन्नी यहाँ होगा, ये खंबे को देख रहा है। तो सन्नी का मुख किस दिशा में, तो सन्नी का मुख किस दिशा में होगा, ईस्ट दिशा में, तो ईस्ट उसका आंसर होना चाहिए। देखिए नॉर्थ वेस्ट तो कैसे भी नहीं हो सकता, नॉर्थ वेस्ट इधर होता है, इधर तो उसका मुँह हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक जंबल वर्ड है, इसको हमको अरेंज करना था सही, तो उसमें ऑथर एक जो है, मतलब जिसका मीनिंग निकलता है, वो एक वर्ड बनता है, ये आपको फाइंड आउट करना था। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में सारे पुट कर करके कि तीन की वैल्यू पर कौन है, ए है, तो ऑथर एक सही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑल रिवर्स आर ओशंस, ठीक है। चलो एक रिवर बना लेते हैं, ऑल रिवर क्या है, माउंटेन के अंदर, ये रिवर, ये हमारे किसके अंदर है, माउंटेन के अंदर। और बोल रहा है, और ऑल ओशन जो हमारे महासागर है, वो भी पर्वत के अंदर है, तो यहाँ हमारा ओशन बन गया, ठीक है। ये ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, रिवर और इसका कुछ नहीं बोला, तो इन दोनों में कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना इनके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो जब ये करेंगे हम कंक्लूजन देखते हैं, सम रिवर आर ओशन। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, रिवर और ओशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो ये हम नहीं बता सकते, इसको काटा करेंगे। सम माउंटेन्स आर रिवर्स, देखिए रिवर क्या है, पूरी माउंटेन के अंदर है, तो सब माउंटेन, कुछ माउंटेन का पार्ट भी तो रिवर में चला गया, तो ये हमारा ठीक होगा। अभी देखिए पेन से हम क्या करते हैं, राइट, और स्पेड मतलब फावड़ा, फावड़े से क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, तो डी किसका राइट आंसर होएगा। ये भी एक रिपीटेड टाइप ही क्वेश्चन है। देखिए वी से क्या हो रहा है, एक टू इंक्रीज हो रहा है, और आई से के आ रहा है, तो कितना हुआ, V से एक इंक्रीज हुआ W, I से दो इंक्रीज हुआ, क्या आया K, आई जे के आता है ना फिर, तो ऐसे ही करेंगे, तो B से इंक्रीज हुआ C, और ऐसे ही हम करेंगे, तो लास्ट में ये आंसर आएगा आपको, C ऑप्शन, C T J V B। हमें पैटर्न बता दिया आपको क्या हो रहा है, कि पहले एक बढ़ता है फिर दो बढ़ता है, ऐसे पूरे में चल रहा है, एक बढ़ेगा फिर दो बढ़ेगा फिर एक बढ़ेगा फिर दो बढ़ेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। नाइन्टी सेवन क्वेश्चन, इसमें भी क्या था, इसमें बोल रहा है पी मल्टीप्लाई क्या हो और माइनस माइनस एस, इसको कैसे करना था। देखिए पी और क्या हो का क्या मतलब है, जो पी है क्या हो का, ये लिखा है ना फादर है, अभी क्या हो मल्टीप्लाई आर, इसका मतलब क्या है, क्या हो ब्रदर है, आर का ये गिवन है, और आगे माइनस में क्या मतलब है, कि ये हस्बैंड है, यानी कि ये हमारा मेल होएगा, ये इसका हस्बैंड होएगा, किसका, एस का। अभी बता सकते हैं हम कि पी पहले में पी एस का ससुर है, तो पी एस का ससुर ही बन रहा है, तो ठीक है, बात इतने बस इतना ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। 98 क्वेश्चन देखिए, फोर्थ डे है किसी मार्च महीने में, पहले आपको पता होना चाहिए कितने डेज होते हैं, 31, और उसके नेक्स्ट महीने में कितने आएंगे, 30 डेज आएंगे। तो बोल रहे हैं मार्च में फोर्थ, चार जो फोर्थ तारीख है उसको क्या है, वीरवार, 4 तारीख को वीरवार है, मतलब 31 में से 4 गए, कितने दिन बचे अपने पास, 27, और नेक्स्ट मंथ के कितने डेज है, 30, तो कितनी हो गई,
यानी 57 डेज उसको और आगे जाना है। क्यों? क्योंकि उसको लास्ट डे बताना है उसका, नेक्स्ट मंथ का। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा बचेगा वो उसको हम ऐड करेंगे, बस उतना डेज आगे। तो 57 56, तो एक डे बचता है, यानी कि एक डे आगे जाएगा तो कितना आएगा? वीरवार में एक दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 143 से बना 149, 6 का गैप, 149 से बना 9 का गैप, फिर ये कितना गैप आ गया? 12, यानी कि 3 3, फिर 3 का गैप आएगा 15। तो 170 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी इसमें बोल रहा है कि एक पंक्ति में बैठे हैं और बोल रहा है कि जेड एक्स और एन के बीच में बैठा है। चलो ठीक है, जेड को यहाँ बिठा देते हैं, एक्स और एन। अभी हमको पता नहीं एक्स इस साइड है, ये तो मैं दो बनाऊंगा एक साथ ही, इधर एन और इधर एक्स। एम इज नॉट एंड द एंड, बोल रहा है एम एंड पर नहीं है, ठीक है भाई, कहीं देखेंगे उसको, कहीं और बिठाएंगे, अभी नहीं बना सकते। वाई सीटिंग इमीजिएट राइट ऑफ एन, वाई यहाँ बैठ सकते हैं। देखिए वाई यहाँ तो नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ तो जेड है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ओ इज नॉट एंड द राइट एंड, ओ यहाँ नहीं बैठ सकता और एम एंड पे नहीं बैठ सकता, तो यहाँ ओ को बिठाना पड़ेगा और एम एंड पे नहीं बैठ सकता, एम यहाँ बैठ जाएगा। देखिए हमारे पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमारे पास मेंबर्स हैं। अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं नेबर ऑफ एम, एम के नेबर कौन कौन है? ओ एंड एक्स, हो गया, इतना ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे बच्चों ने है ना बड़ा कर दिया होगा, मतलब इजी है ये, और किसी से भी शायद ना भी हो। देखिए इसको आप है ना सीधे रैशनलाइज कीजिए, 1/√3 प्लस में 1/√2 लिखा है, इसको लिखिए आप √3 माइनस √2 एंड डिवाइड बाय √3 माइनस √2। इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ऊपर नीचे कर दिया मैंने। अभी देखिए क्या हो गया, ये ऊपर साइड, ये डिनोमिनेटर में, ये दोनों टर्म में, तो हमको इनका स्क्वायर करेंगे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है ये, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आएगा तो नीचे तो 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा? √3 माइनस √2 डिवाइड बाई 1। तो हमने क्या समझा, बस सिर्फ माइनस करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, देखिए 7 - 4, तो ये आंसर आएगा 3 ऑप्शन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी। एक और ये क्वेश्चन, ये भी कल एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट मतलब सेम तरीके का है। देखिए ये दिया हमको 9.3 और इनका ये दूसरी को टाइप का हमको बताया नहीं, और बोल रहे हैं कि इनको किस इस रेशो में मिक्स किया गया है, तो बताना है जो मिक्सर है उसका प्राइस कितना होगा, तो एलिगेशन लगाएंगे इसमें बस। देखिए 9.3 एंड ये हमको गिवन है, हमको ये निकालना है, ये गिवन है। देखिए 10 में से 9.3 जाएगा तो 0.7 आएगा, तो यानी कि यहाँ 0.7 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 0.8। तो 10 और 0.8 ये कितना हो जाएगा हमारा? 10.8। तो 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखिए बोल रहा है एक मोटर वाहक है, 2 शहरों के बीच में दूरी दी गई है 65 किलोमीटर, और उसको पूरा करने में उसको इतना टाइम लग रहा है। हमको बताना है मीटर प्रति मिनट, तो हमको बस इसको मिनट में चाहिए, इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर में, मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर में तो है ही, तो मीटर में बन जाएगा 65,000। और टाइम कितना हो जाएगा, कितने मिनट है ये? 120 और 10 130 मिनट है, हो गया। लो भाई कुछ क्वेश्चन था ये, 500 आंसर आ गया। ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये जो एनुअली बोल रहा है, कल परसों जो क्वेश्चन आया था, कल में जो आया था उसमें सेमी वो बोलना था, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली भी ईयरली बोल दे, ये तो और ईजी है। बल्कि देखिए 8,000 से कितना हो गया? 9261। देखिए जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उनको पता है कि ये है ना हमारा 20 का क्यूब है और ये कितना है? 21 का क्यूब है। तो इनका अगर क्यूब रूट करेंगे तीनों को, दोनों का, तो हमारा क्या आएगा? 20 एंड 22, मतलब कि 3 साल लगेंगे इसमें। और देखिए यहाँ पर रेट कितना परसेंटेज है? 1/20, 5% रेट है। तो ये जिनको प्रैक्टिस रहती है वो देख के ही बता देते हैं कि भाई क्यूब रूट है, 2 साल वाला है, अगर क्यूब रूट करा तो मतलब 3 साल वाला है। तो ये 3 3 ईयर, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 15 18 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है?
तो इसमें हमको इनका एलसीएम लेके कुछ एलसीएम का वो मल्टीप्लाई रहता है हमेशा, ये का आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखिए 18 दिख रहा है, यानी कि 9 इसके अंदर है, तो आप बस ऑप्शन में देखिए कौन सा 9 से डिवाइड हो रहा है। ये 9 से डिवाइड होगा नहीं, डिजिट सम जिसका 9 होगा, ये 9 का फैक्टर होगा, वही 9 से डिवाइड होगा। ये भी 9 से नहीं हो सकता क्योंकि 5, 6, 7 है, ये भी नहीं होगा, 3 है ये, तो ये 9 है यहाँ देखिए, 8 और 9, ये 9 से डिवाइड होगा, मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, 85,000 और 15,000 दो बंदों ने लगाए, 1 साल बाद उनका रेशो क्या होगा। देखिए अब जिस भी रेशो में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको 1 साल बाद उसी रेशो में मिलेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ये फालतू तो में आपको करने के लिए बड़ा कर रहे हैं। तो ये कितना आंसर आ गया, 5, 7, 35 और 5, 3, 15, 17:3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप सबके क्वेश्चन काफ़ी इजी इजी है, ये एक थोड़ा मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन जिसमें डाउट हो सकता है। देखिए 0 और 1 के बीच में अगर एक्स है तो इसको आप क्या मान लीजिए, 1/2 मान लीजिए, क्योंकि यही तो पड़ेगा ही। अब इसको आप बस अब ऑप्शन में पुट कीजिए, देखिए फर्स्ट में रखोगे तो क्या आएगा, 1/2, सेकेंड में रखोगे तो क्या आएगा, 1/4, तो ये तो छोटा है यानी कि इससे बड़ा, ये छोटा है, थर्ड में क्या आ जाएगा, 1/2, थर्ड में हो जाएगा हमारा 1/1/2, तो ये कितना आएगा, थर्ड वाला हमारा 2 आएगा, तो फोर्थ क्या आएगा, 1/1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, ये 4 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा हमारा 4 हो जाएगा ये। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में हमको ये देखना है कि वैल्यूज कहाँ पर सबसे कम कम है और सब में होनी चाहिए वो। देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें क्यूब है ज़्यादा हो गया, 4 यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर होगा हमारे शुरू में, और नेक्स्ट पे क्या होगा, देखिए 3 की मैक्सिमम मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम यहाँ तो ज़्यादा है, मिनिमम 3 की 2 है, तो 3 की 2 यहाँ आ रही है, और 5 की मिनिमम कितनी है, 5 की 1 है, तो 5 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 इसके अंदर नहीं, इसलिए 7 नहीं लेंगे, 11 11 बाकी भी नहीं, तो 11 भी नहीं लेंगे, तो ये इसका एचसीएफ आएगा। एलसीएम होता तो हम इनको इंक्लूड करते और हाईएस्ट पावर लेते। ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो बेसिक रहता है आपका, इसको ए एक्स मान लीजिए, इसको बी एक्स मान लीजिए, इन दोनों में कुछ वाई ऐड कर दीजिए और आएगा आपका C/D। यहाँ से आप वाई निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन है। और इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, देखिए आप है ना वैल्यू ले लीजिए ए और बी की, क्योंकि ये तो बताया तो है नहीं, इन सब की आप वैल्यू रख दीजिए कुछ भी, तो मैंने रख दिया A 2, B रख दिया 3, C रख दिया 4 और रख दिया 5। अब बोल रहे हैं इनमें क्या जोड़े कि हमारा C/D प्राप्त हो, तो मैंने इसमें क्या जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ भी कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, यानी कि वाई क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अभी जिस भी ऑप्शन में हमारा 2 निकलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए डी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैंने निकाल रखा है, इसलिए मुझे पता है आप सारों में चेक करना, तो डी में क्या है, ए और डी, ए हमारा कितना है, 2, 2 मल्टीप्लाई 5, क्यों, डी तो हमारा ये था, ये ए है, ये बी, ये वाई जो ऐड किया, ये सी है, और ये क्या है, डी, AD - BC, बी कितना है, 3, और सी कितना है, 4, -12 आ गया BC का, C - D, C - D क्या, 4 - 5, ये आएगा हमारा -1, तो ये कितना हो गया, 10 - 12, 10 - 12, तो -2/-1, ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 मिल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा 4 इसका। 10th नंबर क्वेश्चन, बोल रहे 4 नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है, तो बी और डी का मल्टीप्लाई बताना है। इसमें ये भी इजी क्वेश्चन है, बी और डी का मल्टीप्लाई बताना है, ये जिसने किया इसका ये गलत हो चुका है वैसे, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं रहेगा। देखिए ABCD 4 नंबर, हम 4 नंबर लिख लेते हैं, ABCD, इनका एवरेज कितना है, 49.5, ठीक है, अगर 49.5 है तो इनका एवरेज है, तो 4 नंबर का एवरेज इतना है, तो सम कितना होएगा, सम होएगा इनका 198, क्यों, क्योंकि इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा हमारा। अभी हमारे पास सम आ गया, मैं उनको नंबर को किस तरह से लूँगा, देखिए आप इनको है ना नंबर को जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप इस तरह लिया करें, x-1, फिर लो आप एक ऐड किया x, क्योंकि मल्टीपल है ना, क्रमागत है, क्रमागत में बोल रहा है, सीरीज में है ये, तो x+1 एंड x+2, इसका आप मैं बताऊंगा रीज़न, तो इन सारों का सम कितना है, ये तो ये कितना है, 4x, 1 से 1 कट गया, यहाँ बचा 2, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आएगा,
196, तो एक्स कितना आ गया, यानी कि जो एक्स है बी की वैल्यू है 49, और डी की वैल्यू कितनी होगी, 49 प्लस 2 करेंगे 51, तो जिसके भी लास्ट में 9 1 9 है, जिसके भी लास्ट में 9 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर है। और ये भी देख रहे हैं, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर है 50 माइनस 1, 50 प्लस 1, 50 माइनस 1 है, 50 प्लस 1 है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। इसको भी ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी आप 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बना लीजिए, या इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं सीधा, बस आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। तो मैं इसमें 1 रखूँगा तो 0 बनेगा, अगर आप एक्स को 1 रखोगे तो 0 बनेगा, आप इसमें 2 रख दीजिए, बड़ा ईजी क्वेश्चन है ये, 2 2 माइनस 1 1 प्लस में, चलो 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 माइनस 2 का स्क्वेयर यानी कि 4 1 माइनस 4 कितना होएगा, ये हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 4 बाई -3, आप इनको सोल्व, आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 माइनस 4 डिवाइड -3, तो ये कितना आएगा, 7 माइनस 4 3, और डिवाइड में क्या है, -3, ये माइनस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर लगा दिया ना, तो ये 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 बाई 3 कितना आ जाएगा, 1 आंसर, तो इसका 1 आंसर आएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए 1/3 भाग को ये कर रहा है 5 दिन में, ठीक है, अगर आप वो 1/3 के लिए 5 दिन है तो पूरे काम के लिए कितना दिन लेगा, ये 15 दिन लेगा, 1 के लिए 5 है तो 3 के लिए 15 हो जाएगा। अभी बी की बात करें, बी की बात करेंगे तो 2/5 के लिए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन, तो 5 के लिए कितने दिन लेगा वो, 5 2 5 10 है तो 5 के लिए 25 दिन लेगा, तो यानी कि ए 15 दिन लेता है और बी 25 लेता है, जितना हो गया, तो यानी कि ए 15 दिन ले रहा है और बी कितने लेता है, 25 दिन। अभी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए आप, 15 75, 15 3 75, 25 3 75, 15 5 75 होएगा, 75/8 कितना आंसर आएगा, 8 9 72 और 3 ऑप्शन नंबर सी, देखिए अभी 18 सेंटीमीटर भुजा वाली एक लकड़ी के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन काट सकते हैं, इसका काफी इजी है, आपको जितनी भी ये घन होगा क्यूबॉइड है इस तरह से, क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, अब ये 18 है, अगर इसको आपको है ना 3 3 सेंटीमीटर वाले कट करने हैं तो कितने टुकड़े, कितने कट लगेंगे, 18/3 यानी कि 6, 3 3 सेंटीमीटर बनाने हैं तो कितने बन जाएंगे, देखिए 3 3 3 करके, तो ये एक जो रहेगा 6 6 कट लगेंगे आप इसमें, यानी कि 6 क्यूब्स बन जाएंगे एक साइड पे, इतनी सी जगह पर 6 बनेंगे, अगर हमको पूरे में निकालना है तो क्या करते हैं, हम क्यूब कर लेते हैं सिंपल से, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ कितना आएंगे, 6 फिर 6 आएंगे, फिर 6 फिर 6 फिर 6, तो ऊपर पे 36 आ जाएगा, ऐसे कितने लेवल है, ये 6 लेवल बनेंगे, तो 36 गुणा 6 216, तो आप जिनको अगर फॉर्म ऐसे आता है क्यूब करने वाला पता है वो भी ठीक था, जिनको नहीं पता वो मैनुअली भी कर सकते थे, ईजी क्वेश्चन था एकदम। अभी एक डिस्काउंट का कि भाई इन दोनों के बराबर का एक बराबर डिस्काउंट क्या होगा, देखिए कितने तो क्या करेंगे 20 और 30 जोड़ देंगे सीधा 30, तो ये आपका गलत है, ऐसे नहीं होता ये, क्योंकि आपको एक डिस्काउंट मिलता है फिर उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे करेंगे 20 20 प्लस 10, ये डिस्काउंट है तो माइनस में लगाऊंगा मैं इसको, प्लस की जगह 20 माइनस 10, -20 माइनस 10 प्लस में 20 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, तो ये कितना होगा, 30 प्लस 2 माइनस 28, -28 मतलब इतना आपको डिस्काउंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इजी है, तो बोल रहा है दो नंबर है उनका रेशियो 3:5, बड़ा नंबर है 75,
तो बताना क्या है, तो यह राशि बतानी है। देखिए बड़ा नंबर का रेशियो कितना है, 5 की वैल्यू कितनी की होना है, बड़ी इन दोनों में 5 है ना, 5 की वैल्यू कितनी है, 75। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 5, 1 की वैल्यू होगी 15। तो 8 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि सम निकालना है ना, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी, 120। 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ रीजनिंग के इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।